नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, नवरात्रि का त्यौहार पूरे भारत भर में बड़े उमंग और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और इन 9 दिनों में भक्तजन पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की जी की भक्ति करते हैं और व्रत भी करते हैं। तो दोस्तों, इन 9 दिनों में जाने अनजाने या कम ध्यान के चलते कई गलतियां भी हो जाती हैं, तो इस बार यह गलतियां दोबारा न हो, इसके लिए आज यह वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, 2023 में इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है कि तथा मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन से यहां पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा, तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का लाभ भक्तजनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम ना ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरोवाली की खास रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व भी इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर सोमवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे मेन शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 15 अक्टूबर को दिन में 11 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। दोस्तों, नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाना आवश्यक है और क्या नहीं पीना चाहिए, आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, गुरु जी से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए भारत में किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी पूजा आराधना क्यों ना हो, उनसे जुड़े पालन का नियम करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं कहलाता। और कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि भारत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल मिलता है, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और यदि मन में इस बार के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारें तो वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कमी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, ये तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिन से अवश्य खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि अवश्य अर्पित किया जाता है। यदि आपका व्रत है तो आपको सेब अवश्य खाना चाहिए, केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर अवश्य खाना। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल अवश्य खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको अवश्य खाना चाहिए। दोस्त और नवरात्रों में व्रतधारी को डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें।
नहीं तो ब्लड टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फल का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले ये देख लें कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाती है, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकती है, साबूदाने के और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं, इससे आपको एनर्जी मिले, घी और भारत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा, चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकती है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तु है जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी सदैव लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। सदैव याद रहे कि इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और सदैव के लिए चली जाती है। दोस्तों, नंबर 2, नारियल हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है, को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में खास महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठती हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए, नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता, नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती है, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग।
हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। सदैव ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जीन्स लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जीन्स लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लोगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दूर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप खास ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल ना करें। खंडित चीज जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर अटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें, ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रही है उन्हें सुनेंगे नहीं सुनेंगे, हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल, माता को अर्पित ना करें। तो यह थी नवरात्रि से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।